उमशंति, आज तारीख है 20/11/2020। प्रथम मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल संत पंथ किनारे पर खड़े हो, तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल डोल बन जाएगी। उत्तर, पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था चल डोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ेगी और क्यों देखते हो, उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। मीठे मीठे सीखी हृदय बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति, शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहिंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी कनेक्शन निकालो, साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो यज्ञ में सेवा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, अर्थात यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे सिखलाते बच्चे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बाबा की मुरली के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाए। अच्छा, फिर से ओम शांति।